पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये भूसरों की धरती पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन और इस आयोजन में चौतरफा प्रकाश देने वाले गुवाहाटी से आए हुए हमारे महामंडलेश्वर स्वामी केशवदास जी महाराज जी, उनके साथ हमारे डॉक्टर सुमन जी, हमारे अग्रज प्रेरणा के स्रोत स्वामी सीताराम शरण जी, बहन साध्वी लाडली शरण जी और आप सबों के चहेते शुभदेश राणा जी आप सबों के समक्ष उपस्थित हुए। मैं भी आप लोगों से मिलने जुलने के लिए आ गया। ज्यादा देखो समय यूं तो विलंब हो रखा है, भगवान इंद्रदेव ज्यादा ही प्रसन्न दो दिनों से हैं। और कहा जाता है और संत ये मानते भी हैं कि शुभ कार्य की पूर्णाहुति या शुभ कार्य के आरंभ में वर्षा हो जाए तो ये माना जाता है कार्यक्रम बहुत शुभ है। तो जब हिंदुत्व की बात हो और भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए तो इसका तात्पर्य है कि ये कार्यक्रम अति शुभ हो गया। बिंदु है कि हमें संगठन होने के लिए, संगठित होने के लिए आज सभाएं करनी पड़ रही है। हमें संगठित होने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए लगातार कहीं हिंदू सम्मेलन, कहीं धर्म सम्मेलन, कहीं सनातन सम्मेलन, अलग अलग प्रकार के हम सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन सम्मेलनों से हम संगठित हो रहे हैं ये मूल बिंदु होना चाहिए। क्या हम सम्मेलनों से संगठित है या हमारे सम्मेलनों से और कोई व्यक्ति संगठित हो जाता है। हम सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू संगठित हो, लेकिन हमारे संगठन हमारे सम्मेलनों के माध्यम से दूसरी व्यवस्था के लोग संगठित हो जाते हैं और हम अपने सम्मेलनों में संगठन की बजाय बाद में झगड़ों में उलझ जाते हैं। ये मूल बिंदु है, हमें समझना पड़ेगा। ये हमारी संस्कृति करीब 1,96,08,53,119 वर्षों से चली आ रही है। वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की यह सनातनीय परंपरा, जिसे ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, सन्यासियों ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में श्री कर्मात्री जी महाराज के मार्गदर्शन पे अखाड़ाओं के निर्माण के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति जीवंत है, जी रही है, पल रही है, बढ़ रही है और आगे भी बढ़ते रहेगी। क्योंकि सत्य कभी भी ह्रास की ओर नहीं जाता है, सत्य जीवित रहता है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, सूर्य बादलों में छिप सकता है लेकिन सूर्य अपने तेज को कभी समाप्त नहीं कर सकता है। हमें अपने आप के अंदर, अपने मन में, अपने इंद्रियों में, अपने विवेक में और अपनी आत्मा में विद्यमान सूर्य को जगाना पड़ेगा। मैं बार बार ज्यादा घुमा फिरा के बोलने का तात्पर्य मेरा कुछ नहीं है। मेरे से बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं इस मंच पर, मैं भी उन लोगों को सुनूंगा। मैं 3-4 बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डालूंगा। अभी हम लोग बैठ करके चर्चा ही कर रहे थे और चर्चा ये हो रही थी, कारण क्या है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है, धर्म समापन की ओर जा रहा है, धर्म झुकते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। आज एक समय पूर्व में था, भगवान रामचंद्र जी के समय, महाभारत के समय, भगवान श्री कृष्णचंद्र के समय, जब यह सनातन परंपरा पूरे विश्व में प्रकाश डालती थी। लेकिन आज विश्व में प्रकाश डालने की बात छोड़िए, भारत में भी ये सीमित, जो भारत के क्षेत्रफल में, भारत के सीमाओं में जो बंधा हुआ धर्म था, वो धीरे धीरे भारत में भी अब लुप्त होने के कागार पर दिखाई देने लगा। महाराज जी नॉर्थ ईस्ट तरफ से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में पूज्य महामंडलेश्वर
स्वामी केशवदास जी महाराज जी ने वहां बहुत कार्य किया, चर्चा हो रही। और मुझे जो विषय समझ में आया, देखो बात गंभीर है, गंभीरता से लेना। मैं दो ही तीन बिंदुओं में बात करूंगा। सबसे बड़ा अपने धर्म का ह्रास का कारण यह हुआ कि हम हिंदुओं ने अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को लाल कपड़े में बांध करके अलमारियों में बंद कर दिया। आज 18 दिसंबर भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई गीता का आज जन्म दिवस है। आज के दिन ही तिथि के दृष्टि से देखा जाए, इंग्लिश गणना के अनुसार तो 6 दिसंबर, लेकिन तिथि के दृष्टि से देखा जाए तो आज का ही दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया था और वहां भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना। ये आज का दिन 18 दिसंबर गीता जयंती। मैं एक बात पूछता हूं, आप यहां इतने लोग आए हुए हैं, कितनों के घर में गीता है, हाथ उठाओ। अब आप अपनी तुलना स्वयं कर लो। ये बात दूसरे धर्म वालों से आप जाके पूछना, कितनों के घर में कुरान है, कितनों के घर में बाइबिल है, कितनों के घर में क्या है। उनके घर में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ जिनसे हमारा धर्म चल रहा है, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, वो धर्म ग्रंथ हमारे घर में नहीं। हम क्या धर्म की बात करेंगे, हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं। राम का मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा। सरकार नहीं बनाएगी तो हम साधु संत बनाएंगे, ये तो निश्चय कर रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि साधु संतों ने केवल राम का ठेका ले रखा है क्या? राम केवल साधु संतों के हैं या राम भारत में रहने वाले 125 करोड़ आबादी के सबों के राम हैं? राम हम सबों के हैं। राम केवल भारत में रहने वाले 125 करोड़ आबादी के लिए नहीं है, राम पूरे विश्व के हैं, राम पूरे ब्रह्मांड के हैं। और राम केवल विश्व और ब्रह्मांड के लिए नहीं है, राम 84 लाख योनियों में पलने पढ़ने वाले सब जीवों के लिए। राम केवल एक भगवान नहीं, राम केवल एक नाम नहीं, राम केवल एक राजा नहीं, राम केवल एक व्यवस्था नहीं, राम एक संस्कृति का नाम है, राम एक सभ्यता का नाम है, राम एक देश का नाम है, राम एक भाषा का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम बताता है राज्य कैसा हो, राम एक सुंदर व्यवस्था का नाम है। राम केवल एक धनुष तीर लिए हुए, वो बगल में लक्ष्मण और सीता को लिए हुए एक आकृति नहीं है। केवल राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम सब करेंगे, संतों ने तो ठाना ही है इस बार के कुंभ में ये तैयारी हो, और हम सब सरकार पर दबाव बनाएं और आप सब भी दबाव बनाएं। चूंकि मैं इधर उधर ज्यादा नहीं ले जाऊंगा विषय को, मेरा आज का मुख्य विषय केवल राम ही है। मैंने सोच के ही चला था ज्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट बोलना है और राम पर बोलना है ज्यादा। तो आप सब, चूंकि ये सम्मेलन अगले बार भी हुआ था, उससे पूर्व भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है, सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन मूल बिंदु में भगवान राम, जहां राम विराजमान है अयोध्या में, उस स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और इसके लिए आप लोगों ने क्या पुरुषार्थ किया, आप लोगों ने निर्णय क्या लिया, आपने उसके लिए कदम क्या उठाया? केवल जय श्री राम के नारा लगाने से भगवान राम का मंदिर बन जाएगा क्या? भगवान राम का नारा लगाने से मंदिर का निर्माण नहीं होने वाला है। पहला निश्चय तो ये करें, आपके दरवाजे में आने वाला वो नेता जो आपसे वोट मांगता है, आप सीना ठोक करके उससे पूछिए, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा में आपने राम के मुद्दे को कितने बार उठाया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैं कोई पार्टीबाजी के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। भगवान राम कोई भाजपा के लिए नहीं है, भगवान राम कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, भगवान राम कोई जेएमएम के लिए नहीं है। भगवान राम जितने नरेंद्र मोदी के लिए हैं, उतने भगवान राम शिव भक्त राहुल गांधी के लिए भी होने चाहिए। और मैं तो एक बात बोलता हूं, शिव भक्त बनना बहुत आसान है, गले में जनेऊ डाल के चलना बहुत आसान है, लेकिन असली शिव भक्त तो वह हो सकता है जो भगवान राम के मंदिर के निर्माण में आगे बढ़ के भूमिका ले।
शिव भक्त केवल कहने के लिए नहीं है, हेलीकॉप्टर से अमरनाथ और बद्रीनाथ और चीन जाकर के वहां भाषण देने से कोई शिव भक्त नहीं बन जाता है। शिव भक्त बनने के लिए दर्शाना नहीं पड़ता है। एक शिव भक्त हुए सरदार पटेल, उन्हें सरकार ने संरक्षण नहीं भी दिया तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया है। ये होते हैं शिव भक्त। शिव भक्त ये हो जो भगवान राम का कार्य प्रशस्त करें। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं हम तो इस संस्कृति वाले हैं, संगच्छोत्तम संबदत्तम संभो मना सृजानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम तो सबकी उपासना करते हैं, हम तो सबका ध्यान रखते हैं, हम तो सबको एक साथ ले जाने की बात करते हैं। हम बोलते हैं हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबकी शांति की बात करते हैं। लेकिन विषय यह है कि शांति के साथ हमारा मंदिर कब बनेगा, भगवान राम भव्य वहां राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, और केवल मंचों पे माइक के सामने चिल्ला करके जय घोष करना, यदि यही करना शेष रहेगा तो मैं एक बात बता देता हूं, वह दिन दूर नहीं है जिस दिन राम लला जिस टेंट में बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा कि यहां से राम लला भी उठा के ले जाओ। ये चूंकि हम किसके ऊपर जाएंगे, हम चूंकि कोर्ट में कोई जज आया कोई मजिस्ट्रेट आया कोई भी बयानबाजी हुई कुछ भी हुआ और लेके चले गए, इससे नहीं होने वाला है। अब तो संसद से एक नियम और एक प्रस्ताव एक अध्यादेश आना चाहिए कि भगवान राम का मंदिर निर्माण वहां किया जाए, और यह स्पष्ट हो कि इसकी भूमिका में कितने लोग हैं। लोगों ने कहा वहां पे फिर मस्जिद भी बनना चाहिए, जरूर बने, हम मस्जिद के विरोधी कहां हैं, लेकिन वहां बने ऐसा मैं नहीं बोलता, बाबर का बने ऐसा भी नहीं बोलता। अच्छा बाबर कौन था, कोई पीर और फकीर था क्या, बाबर कोई पीर फकीर था है? बाबर भारत को लूटने वाला लुटेरा था, और लुटेरे का मस्जिद यदि आप भारत में निर्माण करोगे तो उस मस्जिद में जाने वाले लोग पीर फकीर बनेंगे कि लुटेरे बन जाएंगे। यह मस्जिद बनाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम का बनाओ ना, हम भी योगदान करेंगे। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, यदि कसाब बनोगे तो फांसी तक पहुंचाने का काम हम सब करेंगे, और एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे तो आपको राष्ट्रपति तक भी पहुंचाने का काम हम सब मिल करके। हमारा विरोध नहीं है, हम तो चाहते हैं आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि राम एक संस्कृति एक सभ्यता एक सनातन की बात है, राम पूरी एक जागृति की बात है, इस देश के प्राण राम है। और जब प्राण से खिलवाड़ होता है तो ध्यान रहे, अग्नि के साथ खिलवाड़ होता है तो अग्नि फिर यदि नाराज हो जाए ना तो वो प्रचंड रूप ले लेती है, और वो अग्नि विशाल रूप ले लेती है, वो अग्नि दूसरों को जलाने का काम भी कर सकती है। मैं ज्यादा आप नहीं बोलूंगा, समय कम है, आप सब दूसरे भी लोगों को सुनना है, सबकी प्रेरणा आपके मन में आए। और अंतिम बात मैं यही कहता हूं कि आप सब अपने यहाँ के ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब राजनीति के ठेकेदार, उनसे ये क्वेश्चन करना आरंभ करो कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए आपने विधानसभा लोकसभा चाहे वो रांची हो चाहे दिल्ली हो उसमें आपने किया क्या है अभी तक, और नहीं किया है तो अगली बार हमारे गेट में आना भी मत। या तो आप अपने किताब से वो नंबर ही हटा दो कि भगवान राम का मंदिर हम निर्माण करेंगे, और सत्ता में आने के बाद फिर ये बोलोगे कि भाई अब मामला कोर्ट में है, ये तो कोर्ट में 18 साल से है, ये मुद्दा अब नहीं चलेगा, अब भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो। एक बार पुनः जोरदार जय घोष करेंगे, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।